नाजी आइडियोलॉजी, नाजी आइडियोलॉजी में सबसे पहले उसने क्या किया, कंट्री को रेशियल स्टेट डिक्लेयर कर दिया. मींस ही प्रमोटेड ओनली हिज ओन नॉर्डिक जर्मन आर्यन रेस एंड रेस्ट अदर रेसेस ही अपोज्ड एंड 52 कम्युनिटीज उसने एक लिस्ट जो है वो लिस्ट निकाली और इसमें से सबसे नंबर वन पे कौन से थे, ज्यूइश, जिनको सबसे ज्यादा टॉर्चर किया गया बिकॉज हिटलर हेटेड एंड ही कंसिडर्ड ज्यूइश एज अ किलर ऑफ जीसस क्राइस्ट. वो मानता था कि जो ज्यूइश हैं उन्होंने जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया था, सो दैट्स व्हाई ही हेटेड ज्यूइश एंड ही हिमसेल्फ हेटेड एंड ही वांटेड दैट नाजी पार्टी शुड हेट एंड पीपल ऑफ जर्मन शुड आल्सो हेट ज्यूइश पीपल. एंड उनके लिए उसने एक ही सोल्यूशन बताया, फाइनल सोल्यूशन. उसने क्या कहा कि दीज आर प्रॉब्लम, ये कंट्री में प्रॉब्लम है, इनका फाइनल सोल्यूशन क्या है, सिर्फ डेथ. एंड दैट्स व्हाई ही कंस्ट्रक्टेड स्टार्टेड मेनी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स एंड टॉर्चर चैम्बर्स अपनी स्टेट की रेस को प्रमोट करने के लिए. उसने बाकी रेसेस जो हैं उनको अटैक करना शुरू कर दिया, रेशियल अटैक्स. ठीक है, देन फिर हमने बताना है थ्योरीज. अपनी इस रेस जो है नॉर्डिक जर्मन आर्यन रेस को प्रमोट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए उसने दो साइंटिस्ट चार्ल्स डार्विन एंड हर्बर्ट स्पेंसर की थ्योरी को अपना जो है आइडियोलॉजी का पार्ट बनाया. उन्होंने ये कहा था कि बेस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हैं नेचुरल सिलेक्शन के बेसिस के ऊपर ही उनको आगे बढ़ाना चाहिए. ठीक है, बेस्ट प्लांट्स या ब्रीड एनिमल्स की जो ब्रीड होती है, जिनकी ब्रीड बेस्ट क्वालिटी की है उनका नंबर ऑफ जो है पॉपुलेशन वो बड़ा ज्यादा होना चाहिए. तो ऐसे ही इसने क्या कहा हिटलर ने कि नॉर्डिक जर्मन आर्यन रेस बेस्ट रेस है, सिर्फ इनको ही, इन जनरेशन को ही आगे बढ़ने का राइट है, बाकियों को नहीं. और बाकियों को या तो उसने मारना शुरू कर दिया या कंट्री से डिपोर्ट करना शुरू कर दिया. ठीक है, देन इसके बाद उसने कंसेप्ट दिया लिविंग स्पेस. लिविंग स्पेस का मतलब उसकी रेस, अगर उसको लग रहा है जर्मनी वॉज अ वेरी स्मॉल एरिया फॉर हिज रेस, दैट्स वाई ही अटैक्ड ऑन मैनी टेरिटरीज. उसने बहुत सी टेरिटरीज पे अटैक करना शुरू किया. एंड फाइनली उसका मोटिव क्या था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जितने भी विनर कंट्रीज थी वो उनको जीतना चाहता था. और इसके लिए उसने क्या किया, अपनी कंट्री को एक वॉर कंट्री बनाने के लिए डिफेंस एक्सपेंडिचर में सबसे ज्यादा उसने इन्वेस्ट किया. क्लियर, और अपनी कंट्री में जितने भी अनडिजायरेबल पॉलिश थे, नीग्रोस थे, जिप्सीज थे, ठीक है, कम्युनिस्ट थे, डेमोक्रेट्स थे, जो कंट्री में डेमोक्रेसी लाना चाहते थे, रशियंस थे, उसने सबको धीरे धीरे क्या किया, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में डिपोर्ट करना शुरू कर, डिपोर्ट कर देना. और धीरे धीरे उन कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स से उनको फेक वॉशरूम्स जहाँ पे होते थे, फेक शॉवर्स होते थे, वहां पे पॉइजनस गैसेस रिलीज की जाती थी और वहां पर उनको धीरे धीरे मारना शुरू कर. ठीक है, और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि उसने अपनी रेस के लिए लिविंग स्पेस ढूंढने के लिए बाकियों पे अटैक जो है वो करवाया. क्लियर, इसके बाद फोर्थ जो है उसकी आइडियोलॉजी क्या थी, वन लीडर वन नेशन वन पीपल. उसका मानना था सिर्फ लीडर हिटलर, नेशन सिर्फ जर्मन और पीपल सिर्फ आर्यन रेस. इसके लिए उसने फिर क्या किया, अलग अलग कंट्रीज पे अटैक करना शुरू कर दी. पहले तो उसने राइनलैंड को ऑक्यूपाई किया, राइनलैंड को ऑक्यूपाई किया. इसके बाद फिर उसने रशिया पे अटैक करवाया, पोलैंड पे अटैक किया. एंड वन बाय वन वो चाहता था, ही वॉन्टेड टू बिकम वर्ल्ड कंकरर, वो वर्ल्ड को जीतना चाहता था. ठीक है, और इस तरह से उसने ये उसकी आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग अपनी नाजी पार्टी को भी ऐसे ही तैयार किया. फिर उसने हर चीज पे कंट्रोल किया जो उसको अपोज कर सकती थी, कंट्रोल ऑन आर्मी कंट्रोल ऑन प्रेस कंट्रोल ऑन मीडिया, न्यूज़पेपर, हर चीज उसके अंडर थी. इवन कंट्रोल एजुकेशन, सोल्जर्स उसके कंट्रोल में थे, प्रेस, न्यूज़पेपर,
किसी भी तरह से बुक्स जो हैं उसके अगेंस्ट नहीं प्रिंट हो सकती थी, न्यूज़पेपर, मीडिया, टेलीविजन, एजुकेशन, एजुकेशन मतलब स्कूल एजुकेशन, बच्चों को जो भी पढ़ाया जाता था, टेक्स्ट बुक्स रीराइट की गई, सिलेबस चेंज किया गया, वॉर आइडियोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया गया, ऐसी गेम्स इंट्रोड्यूस की गई जिसमें बॉयज जो हैं वो एग्रेसिव बने, गर्ल्स नहीं बल्कि बॉयज के लिए, वो ही प्रेफर्ड बॉयज एजुकेशन, एंड गर्ल्स को वो मानता था कि गर्ल्स जो हैं वो सिर्फ घर में रहें और अपनी नॉर्डिक जर्मन आर्यन रेस जो हैं उनको प्योर करें। प्योर का मतलब होता है कि वो किसी भी तरह से किसी ज्यूइश, पॉलिश या नीग्रोज या किसी भी ऐसे पर्सन जो उनकी रेस का नहीं है उनके साथ किसी भी तरह से रिलेशंस मेंटेन ना कर। और इस तरह से ये उनकी आइडियोलॉजी थी जिसमें हिटलर ने अपनी रेस को प्रमोट करने के लिए पार्टी को भी ऐसे ही तैयार किया। जो हिटलर सोचता था वो पार्टी सोचती थी, जो पार्टी सोचती थी वही हिटलर सोचता। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि नाजी आइडियोलॉजी एंड हिटलर थिंकिंग जो है वो वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, अब इसके बाद आगे हम करेंगे, ये तो थी नाजी आइडियोलॉजी, अब हम इसी को करेंगे कि इसी आइडियोलॉजी के बेसिस के ऊपर नाजी और हिटलर उन्होंने जर्मनी पे टोटल कंट्रोल ऑन जर्मनी, कैसे जर्मनी के ऊपर टोटल कंट्रोल किया। नंबर वन, ये अब ये जो क्वेश्चन है ना इसमें हमने जितना भी पिछला किया ना हमने उसको हेडिंग के फॉर्म में आगे बनाना। ठीक है, टोटल कंट्रोल सबसे पहले ही आप बता दोगे कि उसने क्या फायर ऑर्डर, फायर डेक्री, वो सारा हिस्ट्री बता दोगे फायर डेक्री, एंड साथ में आप बता दोगे एनेबलिंग एक्ट। आपका एक पॉइंट बन गया, ये पिछला क्वेश्चन है हमारा ना पहले किया हुआ हमने, हाउ ही डिस्ट्रक्टेड डेमोक्रेसी। कंट्रोल की बात कर रहे हैं ना तो हम इसमें अपने बताना है कि उसने जर्मनी पे कंट्रोल कैसे किया। पहले तो उसने फायर ऑर्डर जो है इंप्लीमेंट किया 28 फरवरी को 1933, सिविक राइट्स लोगों के जो है वो क्या कर दिए, सस्पेंड कर दिए। उसके बाद कंट्री को क्या बना दिया, डिक्टेटर कंट्री, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को खत्म कर दी। बैन ऑन पार्टीज, उसने क्या किया, पॉलिटिकल पार्टीज पे बैन कर दिया, सिर्फ अब जर्मनी में एक ही पार्टी होगी, दैट इज नाजी पार्टी। फिर उसने क्या किया, जुडिशरी भी उसके अंडर आ गई। ठीक है, जैसे हमारी कंट्री में जुडिशरी अलग है, सुप्रीम कोर्ट अलग है, हाई कोर्ट अलग है, लेकिन वहां पे क्या हिटलर लेजिस्लेचर भी बन गया, हिटलर ही एग्जेक्टिव और हिटलर ही जुडिशियल। तो तीनों चीजें उन्होंने अपने कंट्रोल में कर ली। तो ये फर्स्ट हमने बताना शॉर्ट में। ठीक है, इसके बाद अब जब भी कोई रूलर नया एक्ट बनाएगा तो लोग तो अपोज करेंगे ही ना। अब जब लोग अपोज करेंगे, लोगों को कर्व करने के लिए, उनकी एक्टिविटीज को कर्व करने के लिए उसने क्या किया, सिक्योरिटी फोर्सेस, ये भी हमने पढ़ा हुआ, सिक्योरिटी फोर्सेस, गेस्टापो, सीक्रेट पुलिस, SA, SS, SD, स्क्वाड्स, डिफरेंट काइंड ऑफ स्क्वाड्स। ठीक है, उसने क्या किया, क्रिमिनल पुलिस जो है, क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए, या पॉलिटिकल लीडर जो उसको अपोज करते थे उनको पकड़ने के लिए। ठीक है, या फिर उसके अपने ही पार्टी में जो लोग उसको अपोज करते थे उनके लिए उसने अलग अलग तरह की फोर्सेस जो है बनाई। ठीक है, देन थर्ड वही पॉइंट ले आओ, रेशियल स्टेट, इसमें भी आप लिख सकते हो रेशियल स्टेट, जर्मनी को रेशियल स्टेट बना दिया सिर्फ अपनी रेस को प्रमोट करने के लिए, जितने भी अनडिजायरेबल थे उनको एलिमिनेट कर दिया। अनडिजायरेबल का मतलब 52 कम्युनिटीज, मैंने आपको भी बताया कौन कौन सी थी, ज्यूइश थी, पॉलिश थे, ठीक है, ओपोनेंट्स थे, इवन उसकी अपनी ही रेस के फिजिकली चैलेंज, हैंडीकैप, फिजिकली चैलेंज उनको भी उसने एलिमिनेट करवा दिया, क्योंकि उसका क्या मानना था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इसका मतलब है उसने कहा था कि जो पर्सन फिट है सिर्फ उसको ही आगे जीने का राइट है, बाकी जो है अगर फिजिकली चैलेंज है तो वो सोसाइटी में क्या है, बर्डन है। कितनी रॉन्ग थिंकिंग थी उसकी, है ना। तो इस तरह से उसने क्या किया, कंट्रोल किया, एक्ट्स बनाए, सिक्योरिटी फोर्सेस, कंट्री को रेशियल स्टेट डिक्लेयर कर दिया, कंट्रोल ऑन एजुकेशन, कंट्रोल
ऑन एजुकेशन। एजुकेशन पे उसने कैसे कंट्रोल किया, टेक्स्ट बुक्स चेंज कर दी, उनको रीराइट किया गया, नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया रेशियल साइंस, जिसमें बच्चे सिर्फ अपनी ही रेस के बारे में पढ़े, थ्यूरीज, चार्ल्स डार्विन हर्बर्ट स्पेंसर की थ्यूरीज को इंट्रोड्यूस किया गया ताकि बच्चे उनको पढ़े। स्कूल्स में से जितने भी ज्यूइश टीचर्स थे, ज्यूइश टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, पहले तो उनको अलग कर दिया गया, फिर डिसमिस कर दिया गया जॉब से, टीचर्स को डिसमिस कर दिया गया, बच्चों को निकाल दिया गया, स्कूल्स को प्योरीफाई किया गया। प्योरीफाई, प्योरीफाइड स्कूल का मतलब क्या होता है, स्कूल्स में से ज्यूइश बच्चों जो हैं उनको निकाल दिया, टीचर्स को निकाल दिया, ताकि एजुकेशन जो है वो सिर्फ किनको दी जा सके, सिर्फ बच्चों के लिए, ठीक है। टू वर्शिप वॉर, बच्चों को वॉर के बारे में पढ़ाया गया ताकि वो वॉर की पूजा करें, हिटलर को एज अ गॉड माने, ठीक है, और इसलिए उसने क्या किया, बच्चों के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस बनाई ताकि बच्चे शुरू से ही अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बने, अलग अलग उसने ऑर्गेनाइजेशंस बनाई, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन उसने बनाई जिसको कहते हैं यंग वॉक, इसमें जे जो है वो साइलेंट आएगा ना, ठीक है, यंग वॉक, जे यू एन जी बी ओ एल के, यंग वॉक कहते हैं इसको जर्मन नेम। यंग वॉक का मतलब क्या होता है, छोटे बच्चों के लिए, जैसे हम ये कह सकते हैं कि 10 to 14 के जो बच्चे हैं ना, उनके लिए क्या बनाई, यंग वॉक, जिसमें बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज जो है गेम्स के लिए प्रिपेयर किया गया, बॉय स्पेशल। फिर 14, जब बच्चा 14 का हो जाता था तो उसको एक और ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करनी पड़ती थी, हिटलर यूथ, ठीक है। सबसे पहले बच्चा यंग वॉक में जाता था, स्कूल तो था ही साथ में, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनना पड़ता था, यहाँ पर वो फिजिकल एक्टिविटीज गेम सीखता था। हिटलर यूथ, यहाँ पर बच्चों को मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती थी, और उसके बाद स्कूल लाइफ के बाद कॉलेज लाइफ, मतलब जो है उसके बाद का जो टाइम पीरियड है, हर बच्चे को या यूथ को थर्ड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि लेबर सर्विस और आर्मी ट्रेनिंग कंपलसरी थी, लेबर सर्विस का मतलब होता है किसी भी पर्सन, चाहे वो डॉक्टर है, टीचर है, लॉयर है, उसको लेबर सर्विस करनी पड़ती थी कंट्री के लिए फ्री फ्री, ये 3 hours भी हो सकता था, 2 hours भी हो सकता था, 1 hour भी, उसके लिए गवर्नमेंट उनको पैसे नहीं देती, ताकि लोगों के मन में अपनी कंट्री के लिए पैट्रियोटिज्म की फीलिंग करवाई जाए कि लोग गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, मनी के लिए काम नहीं कर रहे। अगेन आई एम रिपीटिंग, उसने एजुकेशन पे कैसे कंट्रोल किया, उसने बच्चों के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस बनाई, यंग वॉक 10 to 14 के बच्चों के लिए, उसके बाद 14 to 18 हिटलर यूथ, 18 के बाद जितने भी यूथ थे उनको लेबर सर्विस करनी पड़ती थी, जैसे दिन के आप कह लो 2 hours, 3 hours फ्री, और आर्मी ट्रेनिंग सबके लिए कंपलसरी थी, यानी कि कभी भी अगर वॉर होती है तो इन लोगों को एज अ सोल्जर बुला सकते थे, ताकि लोग जो हैं साइड बाय साइड वो डॉक्टर भी हो और वो सोल्जर भी बन सके, ताकि हिटलर को जब भी आर्मी में नंबर ऑफ सोल्जर्स की जरूरत हो तो वो क्या कर सकता था, इनको बुला सकता था। और ये जो हिटलर यूथ जो बनी थी ना, इसका पहले नेम क्या था, यूथ लीग, बाद में इसका नेम चेंज कर दिया। और ये कब बनी थी, 1922 में, पहले इसका नाम क्या था, यूथ लीग, बाद में ये चेंज हो गया इसका नेम, हिटलर ने चेंज किया, हिटलर यूथ रखते हैं ना अपने नाम पे, और ईयर कौन सा, 1922, इसने रीनेम कर दिया अपने नाम के साथ, है ना। तो अब ये देखो कि वो बच्चों के लिए क्या उसने सोचा था, वो बच्चे नहीं बल्कि सोल्जर चाहता था, वो अपनी कंट्री को वॉर के लिए प्रिपेयर करना चाहता था, और इसलिए उसने क्या किया, टीचर्स या जो भी उसकी कंट्री में जो भी
जो है जिसको लगता था कि वो एजुकेशन के लिए जो है वो सेट हैं, तो ज्यूइश लोगों को निकालकर अपनी रेस को प्रमोट करने के लिए स्कूल्स में नॉर्डिक जर्मन आर्यन रेस के टीचर्स जो हैं स्पेशली उनको अपॉइंट किया। यानी कि आप ये सोचो कि इस टाइम पीरियड में स्कूल में जॉब करने के लिए किसी पर्सन को सिर्फ अपनी रेस नॉर्डिक जर्मन आर्यन रेस से ही होना पड़ेगा, अगर बाकी किसी रेस का था तो उनको डिसमिस कर दिया गया और उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत कम थी। और इसके बाद धीरे 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 उनको कंट्री के अलग पार्ट्स में भेज दिया। पहले तो उनको स्कूल्स में अलग किया, स्कूल से जॉब से निकाला, फिर धीरे धीरे इसने क्या किया उनको अलग पार्ट्स में भेज दिया। आगे हम बाद में डिस्कस करेंगे ना डिटेल में कि ये अलग अलग पार्ट्स कौन से थे, कैसे उनको वहां पे टॉर्चर किया जाता था। ये मैंने वैसे आपको करवाया भी है कि टॉर्चर चैम्बर्स होते थे, है ना। इसके बाद नेक्स्ट है, ये मैंने आपको बताया हाउ ही कंट्रोल ऑन स्कूल एजुकेशन एंड स्कूलिंग सिस्टम को कैसे उसने कंट्रोल किया, ठीक है। फिर नेक्स्ट ये आपका पॉइंट है फोर्थ। अब आप इसका फिफ्थ पॉइंट, टोटल कंट्रोल, फिफ्थ पॉइंट और किस पे कंट्रोल किया उन्होंने, वुमेन, कंट्रोल ऑन वुमेन, वुमेन के ऊपर उसका कंट्रोल क्या था, वो क्या सोचता था वुमेन के बारे में। अकॉर्डिंग टू नाजी वो मदर को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता था। उसका ये मानना था कि जो मदर्स हैं वो अपने बच्चों को नाजी वैल्यू सिखाएं। ही एक्सपेक्टेड मदर्स, वो अपनी कंट्री की नॉर्डिक जर्मन आर्यन रेस की जो मदर्स थी उनसे ये एक्सपेक्ट करता था कि वो अपने बच्चों को क्या सिखाएं, नाजी वैल्यूज। और इसके लिए उसने क्या किया, मदर्स जो हैं या वुमेन जो हैं उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाया। कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि सभी नाजी वुमेन कह लो या आर्यन वुमेन जो थी नॉर्डिक आर्यन वुमेन, उनको एक कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना पड़ता था। सम रूल्स एंड रेगुलेशंस दे हैड टू फॉलो, और अगर वो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करती थी तो उनके साथ क्या किया जाता था, उनको या तो उनके बच्चों को उनसे छीन लिया जाता था या फिर उनके ऊपर एक्सप्लॉयटेशन की जाती, ठीक है। एंड इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हिटलर ने काफी मदर्स के ऊपर जो है वो एक्सप्लॉयटेशन किया। जो मदर्स उनकी बातों को, कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करती थी, उनको कुछ इंसेंटिव्स दिए जाते थे। इंसेंटिव्स का मतलब क्या है, हॉस्पिटल्स या ग्रोसरी या एंटरटेनमेंट या ट्रेवल एक्सपेंसेस में से उनको रिलैक्सेशन दी जाती थी। और जो कोड ऑफ कंडक्ट को डिनाई करती थी, डिसओबे करती थी, हिटलर उनके साथ क्या करता था या नाजी पार्टी क्या करती थी। सपोज कोई नाजी नॉर्डिक जर्मन आर्यन रेस की गर्ल ने किसी पॉलिश या किसी ज्यूइश या किसी रशियन या किसी ऐसे पर्सन जो 52 कम्युनिटीज में से कोई पर्सन होगा उसके साथ मैरिज की होगी, तो उस लेडी को सबसे पहले तो उसके हस्बैंड या फैमिली से सेपरेट कर देते थे। देन शेव्ड देयर हेड, उनके बालों को जो है प्रॉपरली शेव कर देते थे एंड उनके गले में एक प्ले कार्ड जो है वो हैंग कर देते थे और उसके ऊपर क्या लिखा होता था, आई हैव डिस्ट्रॉयड द, यू कैन से प्राउड ऑफ माई नेशन, कि मैंने अपने नेशन का जो प्राउड है उसको डिस्ट्रॉय किया है, स्लरिड, आई हैव स्लरिड द प्राउड ऑफ माई नेशन। और उसको प्रॉपर उसका फेस ब्लैक कर उसको प्रॉपर कम्युनिटी या स्ट्रीट्स में या उसको अलग अलग एरियाज में घुमाते थे बाकियों को लेसन देने के लिए कि अगर आप भी ऐसा करोगे तो आपके साथ भी ऐसा होगा। एंड उसके बाद उनको या तो एलिमिनेट कर देते थे, पनिश करते थे, टॉर्चर चैम्बर्स में भेज देते थे, और या फिर एलिमिनेट, फाइनल सोल्यूशन। मैं जब भी आपको यहाँ पे बोलते ना फाइनल सोल्यूशन, तो फाइनल सोल्यूशन का मतलब होता है डेथ, डेथ चैम्बर्स, टॉर्चर चैम्बर्स, वहां भेज देते थे। तो ये कंट्रोल, क्योंकि हमने नेगेटिव पढ़ना है कि उसने कैसे वुमेन के ऊपर कंट्रोल किया। और जो वुमेन उसके कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करती थी उनको मेडल्स दिए जाते थे, ताकि बाकी जो वुमेन हैं उनके सामने उनको एज अ एक आइडियल मदर जो है वो शो किया। एंड एट दैट टाइम हिटलर ही आल्सो एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ बॉयज इन द कंट्री। यानी कि मदर्स जिनके बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज ज्यादा थे, टू बॉयज, थ्री बॉयज, फोर बॉयज, नाजी
उनके रेशियल टेस्ट होते थे। आप सोचो कि वो कितना उस टाइम पीरियड में क्रूअल होगा, बच्चों के रेशियल टेस्ट होते थे। रेशियल टेस्ट का मतलब उनकी प्रॉपरली उनके माइंड को चेक किया जाता था कि वो फिजिकली फिट हैं, और जो बच्चे रेशियल टेस्ट में प्रॉपर रेशियल टेस्ट एग्जाम टेस्ट नहीं, रेशियल टेस्ट उनकी रेस के बारे में है ना, तो जो रेशियल टेस्ट में पूरी तरह से हिटलर की एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग होते थे, ऐसे बच्चों की मदर्स को ऑनर क्रॉस या मेडल्स दिए जाते थे। तो आप ये सोचो कि इस टाइम पीरियड में मदर जिसके नंबर ऑफ बॉयज सबसे ज्यादा होंगे और सभी फिट होंगे, तो उनको कितने मेडल्स मिलते होंगे और इंसेंटिव कितने मिलते होंगे ना। तो इट वॉज एट दैट टाइम मे बी नॉट गुड फॉर सोसाइटी, बट इट वॉज प्रमोटेड बाई नाजी पार्टी एंड इवन हिटलर आल्सो, है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हिटलर ने जो है वो कंट्रोल जो है वो किया ईच एंड एवरी कैटेगरी। अब फाइनल एक और पॉइंट बनेगा यहाँ पे, सिक्स पॉइंट, कंट्रोल ऑन प्रेस मीडिया, कंट्रोल ऑन प्रेस एंड मीडिया। उसने मीडिया को कैसे यूज किया, मीडिया को कैसे कंट्रोल किया, ठीक है, कैसे उसने अपना सपोर्ट टू विन द सपोर्ट ऑफ पीपल, जर्मन पीपल। मूवीज बनाई गई ऑन ज्यूइश, उन मूवीज में ज्यूइश जो थे उनको विलन शो किया गया, नेगेटिव उनकी इमेज जो थी वो नेगेटिव इमेज शो की गई, ठीक है, उनकी इमेजेस जो है वो नेगेटिव शो की गई। और रेडियो, फिल्म्स, पोस्टर्स में उनकी इमेजेस जो हैं, कार्टून इमेजेस लगाई गई उनका मजाक उड़ाने के लिए, ताकि बच्चे भी उनका मजाक उड़ाएं। कैसी इमेज, सपोज एक ज्यूइश है सिटिंग ऑन मनी बैग, दिखाया गया कि वो मनी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, सिटिंग ऑन मनी बैग, बल्कि दिखाया गया काफ्तान पहने कि वो जो है वो लोगों का पैसा लेकर कितने जो है वो हैवी हो गए हैं। पॉइंटेड नोज, ठीक है, पॉइंटेड नोज का मतलब बड़ी बड़ी नोज दिखाई गई उनकी, बल्कि फिगर, हैवी फेस, फैटी दिखाया गया। एंड उनको कंपेयर किया गया रैट्स के साथ, रैट्स के साथ कंपेयर किया गया, जैसे रैट्स होल कर देते हैं ना। तो हिटलर ने कहा कि जो ये ज्यूइश हैं ये भी जहां रहते हैं वहां पे सोसाइटी में होल कर देते हैं, तो दे शुड नॉट लिव इन देयर कंट्री। और इसलिए उसने क्या किया, ज्यूइश के लिए उसने जर्मन के लोगों के मन में नेगेटिव इमेजेस बनाई, फिल्म्स बनाई, ज्यूइश की इमेज जो है उसका मजाक उड़ाया, कार्टून्स, कैरिकेचर्स बनाए। कैरिकेचर्स का मतलब होता है कार्टून की ही आगे फॉर्म में उनका मजाक उड़ाना, ठीक है। एंड बहुत से चिलिंग वर्ड्स यूज किए उसने इनके लिए, इनका मजाक उड़ाने के लिए चिलिंग वर्ड्स, कोडिंग लैंग्वेज। कोडिंग लैंग्वेज का मतलब है उसने कभी भी किलिंग और मर्डर ओपनली यूज नहीं किया उसने, जैसे मैंने आपको बताया ना फाइनल सॉल्यूशन, अनडिजायरेबल, ऐसे वर्ड्स यूज किए, टॉर्चर चैम्बर्स। और इस तरह से उसने सेंटर्स बनाए, ऐसे सेंटर्स जहां पर ज्यूइश जो हैं उनको भेजा जाता था मारने के लिए, डेथ चैम्बर्स, लेकिन उनके ऊपर डेथ चैम्बर नहीं लिखा होता था। उन सेंटर्स का भी अलग उसने साइंटिफिक नाम बनाया, डिसइंफेक्टिंग एरियाज। ऐसे एरियाज का उसने क्या नाम दिया, डिसइंफेक्टिंग एरियाज। डिसइंफेक्टिंग एरियाज का मतलब कि ये जो है ज्यूइश जो है वो कंट्री में इन्फेक्शन स्प्रेड कर रहे हैं और हम इनको कहाँ भेज रहे हैं, डिसइंफेक्टिंग एरियाज। डिसइंफेक्टिंग एरियाज में जब ये एक बार चले जाएंगे तो बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि अंदर क्या है, पॉइजनिंग गैसेस, पॉइजनस गैसेस, जो गैसेस जो हैं वो फेक शावर्स के द्वारा रिलीज की जाती थी एंड इस तरह से ज्यूइश को मारा था, ठीक है। तो ये सारा मैंने आपको बताया कि कैसे उसने सपोर्ट अर्न करने के लिए या लोगों का सपोर्ट जीतने के लिए फिल्म्स, इमेजेस बनाई, रेडियो में इनकी स्ट्रॉन्ग स्टोरीज बनाई, स्लोगन्स बनाए, ताकि इनकी नेगेटिव इमेज जो है वो जर्मन के लोगों को दी जा सके, ताकि जैसे नाजी पार्टी इनसे हेट करती है, हिटलर हेट करता था, ऐसे ही जर्मन के लोग भी इनसे हेट करें। और सच में ऐसा हुआ, जब आपको बार बार कोई चीज मूवी में, फिल्म्स में दिखाई जाएगी, उनका नेगेटिव आस्पेक्ट दिखाया जाएगा, तो आप खुद भी बिलीव करोगे
इवन आपको पता है बेचारे जूश वो भी अपने आप को ऐसे बिलीव करते थे, उनको लगता था कि सच में वो रिस्पॉन्सिबल है। और इस तरह से हिटलर ने मीडिया और प्रेस को अपनी आइडियोलॉजी के लिए कंट्रोल किया और इस तरह से लोगों को जूश के लिए अगेंस्ट कर दिया। तो दैट वॉज टोटल कंट्रोल ऑन जर्मनी, कैसे हिटलर ने पूरा कंट्रोल जो है वो जर्मनी के ऊपर किया। अब आप ये सोचो कि जब आप याद करो आपकी 1932 में जब लोगों ने हिटलर की पार्टी को सबसे ज्यादा वोट्स दिए होंगे, तो किसी पर्सन ने ये नहीं सोचा होगा कि हिटलर जो है वो इतना क्रूर हो सकता। बाकी हम बाद में करेंगे, अभी मोस्टली हमारे टॉपिक जो है वी हैव कवर्ड द चैप्टर। ठीक है, यस बेटा, एनी डाउट?